अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर पाक स्टडीज़ क्लास। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू दैट व्हाट डू वी मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आसान अल्फाज में आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन के बारे में बता दूँ कि आइन से हमें हमारा क्या मुराद है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि जब आप स्कूल जाते हैं, देर आर सर्टन रूल्स दैट यू आर सपोज टू फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू वेयर अ नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म, यू हैव टू बी इन योर स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स, 8 बजे से पहले सबने स्कूल पहुँचना होता है। इस तरह के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हमने हर जगह के ऊपर फॉलो करने होते हैं। इवन इन आवर होम्स देर आर सर्टन रूल्स दैट आर डिवाइस्ड बाई आवर पेरेंट्स और हमने उनको फॉलो करना होता है। इन द सेम वे व्हेन वी आर रनिंग अ कंट्री, जब आप एक मुल्क का निज़ाम चला रहे होते हैं तो उस मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए भी तो आपको कुछ रूल्स चाहिए। तो वो रूल्स आपने जहाँ पर लिखे हुए होते हैं, वो तमाम रूल्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रन योर कंट्री, दे आर कॉल्ड योर कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई हैव मेड इट ईजियर फॉर यू दैट कॉन्स्टिट्यूशन मीन रूल्स, द रूल्स दैट वी यूज़ टू रन अवर कंट्री। और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना उस मुल्क में रहने वाले हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके ऊपर फ़र्ज़ होता है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करे और उसको फॉलो करे। पाकिस्तान के अंदर अभी तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज़ इम्प्लीमेंटेड इन 1956, सेकेंड वन इन 1962, एंड द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फाइनल वन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1973। एंड other than many other thing, the credit of the 1973 constitution also goes to none other than Zulfikar Ali Bhutto. According to this constitution preamble means starting, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को जब आप ओपन करते हैं तो उसके स्टार्ट में सबसे पहले, जैसे आपकी बुक के स्टार्ट में इंडेक्स लिखी हुई होती है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है, चैप्टर्स के नेम लिखे हुए होते हैं, इन द सिमिलर वे व्हेन यू ओपन द बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक रेजोल्यूशन है, उसके मुताबिक, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू सो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, द सोवर्निटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, के जो फाइनल जो ताकत है उसका सरचश्मा है वो अल्लाह ताला है। एंड द रिप्रेजेंटेटिव, और वो लोग जो कि इलेक्ट होकर असेंबलीज में आते हैं, दे विल यूज़ देयर पावर एज द सीक्रेट ट्रस्ट, वो अल्लाह ताला की दी हुई अमानत समझ के उसको इस्तेमाल करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो कि कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट जाता हो। देन इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन मीन लाइक द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस, इट इज़ ऑल्सो अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कम्प्राइजेज ऑफ, जैसे आपकी बुक के अंदर देर आर चैप्टर्स एंड इन चैप्टर्स देर आर डिफरेंट टॉपिक्स, इन द सिमिलर वे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देर आर 280 आर्टिकल्स, 12 सेक्शंस एंड 6 जुडिशियल रिकॉर्ड्स। अंडरलाइन इट एंड लर्न इट प्रॉपरली। देन इट इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Like the previous constitution, Pakistan has been declared a federal state in 1973 constitution. The federation of Pakistan consists of 4 provinces. A federation का मतलब ये होता है कि आपके country के अंदर रहने वाले, for example, there are 4 provinces in our country. All those 4 provinces, they are allowed to take their decisions. उनको इजाज़त है कि उनकी assemblies अपने ज़रूरत के मुताबिक अपने सूबों के फ़ैसले खुद कर सकती हैं, और उन सारी असेंबलीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उनको सुपरवाइज, उनको मॉनिटर करने के लिए देयर इज़ अ फेडरेशन इन द कैपिटल। पाकिस्तान का कैपिटल इज़ इस्लामाबाद, देयर इज़ नेशनल असेंबली इन इस्लामाबाद। द जॉब ऑफ द नेशनल असेंबली इज़ लेजिस्लेशन, नए कानून बनाना, एंड टू मेक श्योर दैट द प्रोविंसेस एंड देयर असेंबलीज़ दे आर वर्किंग अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, के वो आइन के दायरे के अंदर रहते हुए काम कर सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद हर असेंबली को, हर प्रोविंस को इजाज़त होती है कि वो अपने फ़ैसले खुद ले सकता है। एंड दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय फेडरेशन, यानी कि हर प्रोविंस को खुद इजाज़त है। सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मीन इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर चेंजेस करना, इट इज़ नॉट टू ईजी नॉर टू डिफ़िकल्ट, नीदर टू ईजी नॉर टू डिफ़िकल्ट। यानी कि देखें, विद द पैसेज ऑफ द टाइम समटाइम्स वी हैव टू मेक न्यू लॉज, समटाइम्स वी हैव टू चेंज अवर एग्जिस्टिंग लॉज।
तो वो एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज करने के लिए या नए कानून बनाने के लिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ती है। अमेंडमेंट मीन चेंज करना। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, तो उसका बहुत सिंपल तरीका है कि आपकी पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी। 2/3 मेजॉरिटी मीन कि अगर पार्लियामेंट के 3 हिस्से करें तो कम से कम 2 हिस्सों उसके यस के फेवर में वोट करेंगे, तो देन अमेंडमेंट विल बी अप्रूव्ड, अदरवाइज द अमेंडमेंट विल बी डिसअप्रूव्ड। नेशनल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, उर्दू इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज। और ये भी लिखा गया था कि इन द पीरियड ऑफ 15 ईयर इट विल बी मेड श्योर दैट उर्दू इज़ मेड अवर ऑफिशियल लैंग्वेज एज वेल, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़न्ट बीन डन सो फार। इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, सिंस पाकिस्तान वॉज मेड इन द नेम ऑफ द इस्लाम, पाकिस्तान वॉज मेड सो दैट मुस्लिम्स कैन लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि दैट द प्रेजिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैव टू बी मुस्लिम, नो नॉन मुस्लिम कैन बिकम अवर प्रेजिडेंट और अवर प्राइम मिनिस्टर। द ऑफिशियल नेम ऑफ द पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इट इनक्रेजेज द प्रैक्टिस ऑफ इस्लामिक मॉड ऑफ लाइफ अमंग सिटीजन्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया दैट द अरेंजमेंट शुड बी मेड दैट मुस्लिम्स कैन लिव देयर लाइफ ईजिली अकॉर्डिंग टू इस्लाम। स्टेप्स विल बी टेकन टू अबॉलिश इंटरेस्ट, इट मीन्स के ऐसे एहतमाम किया जाएगा कि सूद का खात्मा और ज़कात का, ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात और उशर का निज़ाम चल सके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन दैट कोर्ट्स विल बी फ्री एंड नो पॉलिटिशियन, नो ऑफिसर, नो जनरल, नो वन विल फोर्स जजेस टू मेक सर्टन वर्डिक्ट। एंड वी ऑल नो द स्टेट ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान इन करंट सिचुएशन। एनी वे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 द नेशनल असेंबली विल हैव अ टेन्योर। टेन्योर मीन कि वो कितने अरसे के लिए बनाई जाएगी, फॉर द 5 ईयर्स। द नेशनल असेंबली विल बी इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर्स। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। द हेड ऑफ द कंट्री इज़ द प्रेजिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देयर इज़ अ टू डिफरेंट थिंग, जो मुल्क का सरबराह है वो सदर होता है, जो गवर्नमेंट का सरबराह है वो आपका वज़ीर आज़म होता है। और हमारी जो नेशनल असेंबली होती है वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होती है, और 5 ईयर्स के दोबारा से इलेक्शन होते हैं, एंड देन अगेन द न्यू नेशनल असेंबली कम इन पावर। द प्रेजिडेंट इज़ इलेक्टेड बाई द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हिस्से होते हैं, एक आपका सेनेट होता है और एक आपका नेशनल असेंबली होता है। नेशनल असेंबली और सेनेट को जब आप मिला देते हैं तो मिला के उनसे पार्लियामेंट बनती है। आपका सदर, आपकी पार्लियामेंट, वो इसको इंतखाब करती है। एंड प्रोवेंशियल असेंबली इज़ वेयर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड बाई नेशनल असेंबली, जबकि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म होता है उसको सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली इलेक्ट करती है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। पाकिस्तान में आने वाला कोई पॉलिटिशियन, कोई जनरल भी जो है सुप्रीम नहीं है। असल चीज़ जो सुप्रीम है, जिसकी बात मानी जाएगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी की अपनी मर्ज़ी की कोई हैसियत नहीं है। द रियल थिंग दैट वी नीड टू फॉलो इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एनी वन हु एब्रोगेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन को तोड़ता है, उसके लिए उसके ऊपर ट्रीज़न का एक्ट, यानी कि उसके ऊपर बगावत, उसके ऊपर गद्दारी का जो है वो मुकदमा बनता है, और उसको उसी के मुताबिक जो है वो सज़ा मिलती है। विल बी चार्ज विद हाई ट्रीज़न। हाई ट्रीज़न का मतलब यह है गद्दारी का मुकदमा उसके ऊपर किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, आफ्टर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे इदारे बनाए गए थे, जिसमें कि एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका काम यह है कि उसने जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं किसी भी सतह के हों, तो उसने उनको ऑर्गेनाइज़ करवाना होता है और उनको मैनेज करना होता है। इसी तरह से और भी डिफरेंट इदारे बनाए गए, फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक काउंसिल, फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन। दीज इंस्टीट्यूशन दे वर्क विद इन देयर अथॉरिटी एंड विद इन ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल का मतलब होता है
बाई का मतलब टू, कैमरल का मतलब हाउस, और लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाने वाले। द मेन पर्पज़ ऑफ आवर नेशनल असेंबली, आपके मुल्क में जो भी असेंबली होती है या सेनेट होता है उसका जो मेन काम होता है ना वो नए कानून बनाना होता है। द मेन पर्पज़ ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट इज़ टू मेक न्यू लॉज फॉर द कंट्री, दैट इज़ वाई वी कॉल दैम लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सो बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन दैट देर आर टू पार्ट्स ऑफ आवर पार्लियामेंट, वन इज़ नेशनल असेंबली, सेकेंड वन इज़ द सेनेट। क्या आपकी पार्लियामेंट दो हिस्सों पर होगी, एक उसका होगा नेशनल असेंबली, दूसरा होगा सेनेट। और आपकी सबसे पहले नेशनल असेंबली एक नया बिल लेकर आती है नया लॉ बनाने का, उसको अप्रूव करके सेनेट में भेजती है, फिर सेनेट उसको अप्रूव करता है तो वो न्यू लॉ बन जाता है, अगर सेनेट उसको डिसअप्रूव करे तो वो न्यू लॉ नहीं बनता। सो द टू हाउसेस, इसको हाउस बोलते हैं, पार्लियामेंट को लोअर हाउस और सेनेट को अपर हाउस। देयर आर टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि देर आर टू हाउसेज टू मेक अ न्यू लॉ। और पार्लियामेंट को उर्दू में मजलिस शूरा कहते हैं, जिसके टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 446 होते हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट मीन दैट ऑल द सिटीजन्स लिविंग इन अवर कंट्री, नो मैटर व्हाट देयर, इट डजंट मैटर कि उनका रिलीजन क्या है, दे हैव द बेसिक राइट टू लिव देयर लाइफ, दे हैव दिस राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, to practice the occupation whatever they want, and no government officer, no politician, no one in this country will stop people or will violate their basic rights. So this was all about the 1973 constitution. Go through it in case of any difficulty or in case of any confusion, please do let me know. Thank you so much. Allah Hafiz.